हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं सीमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए स्लीपिंग बैग। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दो तरह का कपड़ा लेना है, एक छोटा जो दो उसमें रहेगा और ये एक बड़ा, ये भी दो परत में रहेगा। देखिए, और इसी के नाप का हमें, हमारे पास फोम नहीं है, नहीं तो फोम डालो तो और अच्छा बन जाएगा, लेकिन ये कपड़ा है हमारे पास चार तह में, उसको हम, ये जो हमारा कपड़ा है जिसमें फूल बने हुए हैं, प्रिंट बने हुए, उसको हमें उल्टा करके रख देना है नीचे और ऊपर इस कपड़े को रख देना है जो हमें अंदर रखना है, और सिलाई तीन तरफ से कर देंगे। इसके देखिए बता रहे हैं कैसे ये जाएगा, इसके ऊपर रखेंगे देखिए इसे, तो ये हमारा पॉकेट की तरह हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं सिलना है इसको, पहले ये रेडी करेंगे और उसी तरह इसको उल्टा कर देंगे, इसको नीचे रखेंगे और ये जो अंदर भरेंगे कपड़े को रखेंगे, इसको ऊपर रख देंगे और तीन तरफ से सिलाई कर देंगे। देखिए, हमने सिलाई कर दी है, मतलब करना शुरू कर दिया है। अब ये सिलाई तीन तरफ से करने के बाद देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। ये जो कवर वाला एरिया है इसको हमें सीधा कर देना है। सीधा करने पर देखिए वो अंदर हो गया जो कपड़ा था और ये ऊपर आ गया प्रिंट जो है दोनों तरफ से। अब बीच में सिलाई दे देंगे। बीच में सिलाई देने के बाद हमें उसी तरह ब्रेक शेप में सिलाई कर देनी है। अब बड़ा वाला जो कपड़ा है उसको भी इसी तरह सिलना है, प्रिंट वाले को उल्टा रखना है जो हमारा मेन कवर वाला पार्ट रहेगा। और देखिए, इसको भी मैंने सिल दिया तीन तरफ से, सीधा कर दिया, बाकी सब कपड़े अंदर हो गए हैं। अब देखिए, ये सिलाई हमें जो खुला भाग है उसे कर देना है और फिर तीन सिलाई जितनी भी आप दे सकें उतनी दे दें सिलाई, जिससे मजबूती भी आ जाती है। और फिर ये हमें छोटा वाला जो पॉकेट वाला है उस पर हमें लगा देना है। देखिए, हमने लगा दिया है। अब ये नीचे हमें जोड़ लेना है। नीचे जोड़ने के बाद हम दोनों तरफ भी इसको पलट देंगे, पलटने के बाद सीधा हो जाएगा, तब जाके इस दोनों साइड की सिलाई करेंगे। देखिए, सिल गया है। अब ये जो हमारा चुन्नट वाला घेरा है इसको हमें चारों तरफ से इस तरह से लगा देना है। देखिए, लग गया, कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।